पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ट्वेल्थ के बाद क्या क्या और स्कोप्स हो सकते हैं अदर देन एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस? मींस अगर आप ट्वेल्थ में क्या होते हो, पीसीबी आप बायोलॉजी लेते हो, तो उसके बाद एक कॉमन थिंकिंग होती है कि आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जिसमें और भी स्कोप्स होते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ प्राची पांडे, बीएमए सेकंड ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके स्कोप्स क्या होंगे आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे माइंड में आता है बीएससी। ठीक है, तो ये बीएससी भी आपकी दो टाइप की आती है, एक आती है आपकी नॉर्मल प्लेन बीएससी और एक आता है बीएससी ऑनर्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो एक नॉर्मल बीएससी जो होती है और उसमें आपके तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो ना, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको जब एमएससी करना होता है तो आप इन तीन सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। बट जब आप ऑनर्स कर सकते हो, मींस बीएससी इन ऑनर्स, मींस उस ऑनर्स में आपका सब्जेक्ट हुआ, जैसे आपका जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका ऑनर्स है तो आप एमएससी उसी सब्जेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, मींस उस एक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको ऑनर्स बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बीएससी में भी वही सब्जेक्ट होते हैं और ऑनर्स में भी वही होता है, बट उसमें एक सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है जो आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया बीएससी। उसके बाद बीएससी और भी आप सब्जेक्ट में कर सकते हो, जैसे अब इसमें बीएससी, नॉर्मल बीएससी के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। अगर आपको पीजी कोर्सेज में एमएससी नहीं करना तो आप एमबीए भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद आप एमएनएस मींस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक अच्छा कोर्स होता है, आर्म्ड फोर्सेस में आप सर्व कर सकते हो। एक नर्सिंग कोर्स होता है जो कि 4 ईयर्स का होता है, ये बीएससी कोर्स ही होता है। उसके बाद आप कर सकते हो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी में आप उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो आप इसमें। देन नेक्स्ट आता है आपका बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स जब आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करते हो तो उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो। जो बीएससी होता है, बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका 3 ईयर्स का कोर्स होता है प्लस 6 मंथ्स इंटर्नशिप होती है। उसके बाद जब आपका ये एमएससी होता है, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये आपका 3 ईयर्स का होता है। तो ये हो गई आपकी माइक्रोबायोलॉजी का, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट ही बीटेक कर सकते हैं, आप भी, बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होती है, इसमें आप बीटेक कर सकते हो जो कि आपका 4 ईयर्स का कोर्स होता है। इसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हो, ये आपका एक अच्छा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अदर देन दिस आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, रिसर्च फील्ड में आजकल बहुत सारे स्कोप्स आपके बढ़ गए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है, अगर जिसको लॉ वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो आपका आता है बीएससी प्लस एलएलबी, ये आपका 5 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है, बीएससी प्लस एलएलबी। अगर आपको लॉ वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, इसमें आपका एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने करी बीएससी के बारे में। बीएससी के अलावा आपके पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जो कि अदर देन बीएससी कोर्सेज क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो, तो उसमें आप कर सकते हो बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी आपका 4 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आप बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी, ठीक है, बीआरटी, ये भी आपका एक अच्छा कोर्स होता है। आप रेडियोथेरेपी, जो एक्सरे वगैरह होते हैं, आप इस फील्ड में भी अच्छे से जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बी फार्म और डी फार्म। अब इस बी फार्म और डी फार्म में डिफरेंस क्या होता है? बी फार्म आता है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म आता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो बी फार्म होता है वो आपका 4 ईयर्स का कोर्स होता है, और डिप्लोमा मींस डी फार्म जो है वो आपका 2 ईयर्स का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा होता है। ठीक है, बट आपको अगर फार्मेसी में इंटरेस्ट है तो आपको बी फार्मा करना चाहिए, क्योंकि आप 4 ईयर्स का कोर्स है, इसमें आप एक अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हो। बट आपको अगर इसमें डिप्लोमा करना है तो आप डी फार्म कर सकते हो, जो कि 2 ईयर्स का कोर्स होता है। अदर देन दिस, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ के बाद आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना हो, या फिर आपको अपनी किसी भी सिविल सर्विसेज में जाना, तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स मीन्स बीए, बीबीए, बीसीए, ये सारे कोर्सेज, बीकॉम, ये सब भी आप कर सकते हो, ये अलाउड है। एक साइंस का स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आपने साइंस लिया, मैथ्स या बायोलॉजी लिए, तो आप आगे बीकॉम के कोई कोर्सेज नहीं ले सकते, आप आगे जाके बीकॉम के, मैनेजमेंट के कोई भी कोर्सेज ले सकते हो। और बीएससी के बाद आप अपने पीजी कोर्सेज में भी, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एमबीए वगैरह भी परस्यू कर सकते हो। तो ये थे आपके पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए अदर देन मेडिकल प्रोफेशन कोर्सेज क्या क्या आप ऑप्ट कर सकते हो, आपके बेटर फ्यूचर स्कोप इसमें हो सकते हैं, आप इसमें आगे जा सकते हो। नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।